नमस्कार, बिग ब्लॉगर में आपका स्वागत है और मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। दोस्तों, आज मैं प्रेमानंद महाराज यानी राधे कृष्ण भक्त के बारे में बताने वाला हूँ। बता दें कि प्रेमानंद महाराज बहुत ही सरल और शिक्षित महाराज हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आज मैं बता ही देता हूँ। दोस्तों, बता दें कि महाराज प्रेमानंद गोविंद वैसे व्यक्ति हैं जो हमारे लिए लाभ और लंबा उम्र के लिए हमें शिक्षित करते हैं और हमें शिक्षित बनाते हैं और समझदार बनाने में सहयोग कर रहे हैं। वो कैसे, आइए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, बता दें कि बीते दिन लोग सोशल मीडिया पर बाबा का नाम और वस्त्र पहनकर लोगों को काला जादू के नाम पर ठगना और चंदा लेना बड़ी जोर शोर से लगा रखा है और इसे इससे भी बड़ी दुख की बात है, लोग फर्जी बाबा के फेवर में फंस भी जाते हैं। तो बता दें, बाबा प्रेमानंद महाराज जी इस चीज को समझाते हुए बोले कि काला जादू कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए दावा लाने क्यों गए? उन्हें भी राजा दशरथ के बेटे राम के भाई लक्ष्मण जी को छू जादू करके ठीक कर देने की कोशिश करनी चाहिए थी। उस समय तो काला जादू से लोग प्रभावित भी थे, काला जादू को भी लोग ज्यादा मानते थे। यही कारण है कि पहले के लोग बीमारी के कारण अभी के मुताबिक ज्यादा मर जाते थे। प्रेमानंद जी एक बात और बोलते थे, अगर किसी को बुखार हो जाए और उसे झाड़ फूंक किया जाए तो वह ठीक हो जाएगा, कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। आप ही सोच कर देखो, अगर आपका हाथ या पैर में चोट लग जाए तो आप दवा लोगे या बाबा के पास काला जादू कराने जाओगे? दोस्तों, बता दें कि बाबा प्रेमानंद जी कहीं ना कहीं हमें शिक्षित और शिक्षा के प्रति जागने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे तब ना आपको मालूम होगा क्या पढ़ने से कौन सा दवा जो है हमें मिलेगा। अगर आप अंधभक्ति और अनपढ़ रहोगे तो जो बाबा बोलेंगे वही ना करोगे, यानी पूरा दिन मेहनत करो आप और पैसा लेंगे बाबा। सच यही है। आपको बता दे कि कोई ऐसा बाबा नहीं है जो बिना पैसे के आपको कथा सुनाएंगे। आजकल के तो ऐसे ऐसे बाबा है जो 2-2 लाख रुपए लेते हैं एक कथा का, तो कहाँ का ये धर्म है भाई? ये तो धंधा है। राम भगवान को धर्म के रूप में देखने वाले कान खोलकर सुन लो। राम भगवान इसलिए बने कि वह इंसानियत के लिए जीते थे, ना कि धर्म और धंधा के लिए। दोस्तों, बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी और उनके प्यार को आप समझते हैं और उनकी बात आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जो है हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है हर समय और हमारा वीडियो आप तक जाते रहे हर समय। दोस्तों, बता दें कि प्रेमानंद गोविंद ऐसे नहीं हैं। प्रेमानंद गोविंद यानी महाराज जी वो हमें शिक्षा की ओर ले जाते हैं और शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अंधभक्ति में ना पड़े, हम शिक्षित हों और देश के लिए अच्छा काम करें। प्रेमानंद महाराज हमेशा बोलते हैं, शिक्षा कीजिए और शिक्षा को बात को समझिए। प्रेमानंद जी ये नहीं कहते कि आप पूजा मत करो, मन को शांत रखने के लिए भक्ति और पूजा में ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन काला जादू के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रेमानंद गोविंद महाराज की कुछ पर्सनल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, बता दें कि प्रेमानंद जी का महाराज का जन्म 1952 में कानपुर यानी उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वह जिला कानपुर जहां की सरजौल गांव ने हमें शिक्षित महाराज दिए। तो महाराज जी का जीवन स्टार्ट वहीं से शुरू हुआ था, विश्व में अपना नाम और चेहरा बना लिए एक ऐसे हमारे महाराज जी हैं। बता दें कि महाराज प्रेमानंद को गोविंद का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था और उनके पिताजी का नाम शंभू पांडे है और माताजी का नाम रामा देवी। लेकिन अब महाराज जी वृंदावन उत्तर प्रदेश में आश्रम में रहते हैं और अपनी प्रेम और ज्ञान हमें सोशल मीडिया के जरिए हमें
सहारा देते रहते हैं, वृंदावन के राधा रानी के प्रेम और संस्कार में समा गए और अपना जीवन राधा रानी के लिए समर्पित कर दिए। दोस्तों बता दें कि प्रेमानंद महाराज का फैन फॉलोइंग इतना है कि लोग महाराज जी से मिलने के लिए उतावला हो जाते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं कि वो साक्षात हमारे लिए भगवान है जो हमें इतना ज्ञान देते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। इसलिए कहा गया है जैसा कार्य करोगे फल वैसा ही होगा। दोस्तों एक और जानकारी बता दें कि महाराज जी का दादा के भाई यानी दादाजी भी सन्यासी थे जो भक्ति भाव में भगवान में मिल गए। प्रेमानंद महाराज की सबसे खास बात बता दें कि महाराज जी 13 वर्ष के उम्र में दीक्षा लेकर संत बने थे, सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए त्याग दिए और आज हमें इतना ज्ञान देते हैं हमें टीचर कभी नहीं दे सकता और एक तरह से हमारे टीचर ही हैं और फर्जी बाबा तो दूर दूर तक इनके चरणों के धूल में भी ना लगेंगे। बता दें कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी महाराज जी के भक्त हैं जैसे में कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, आरएसएस मोहन, बहुत ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी से मिलने के लिए देश विदेश से मिलने आते हैं। दोस्तों आजकल के पूजा करने वाले पंडित कहा जाता है, सच ये है कि जो पढ़ लिख कर शिक्षित है, जिनके पास ढेर ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, वो पंडित होते हैं। दोस्तों बता दें कि रामन के पिता बहुत बड़ा विद्वान थे इसलिए वो पंडित थे, ना कि वो पंडित खानदान में पैदा लिए इसलिए। लेकिन आजकल के लोग बोलते हैं कि जो पंडित खानदान में पैदा लिया, उनके घर में पैदा लिया, वही पंडित है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, जो पढ़ा वही पंडित है, जैसे अम्बेडकर साहब। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जाएं यूट्यूब पर और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।